सुप्रभातम बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन कक्षा अष्टमी संस्कृत में पुनः स्वागत है। तो बच्चों, आज हम रुचिरा द्वारा षष्ठ पाठ गृहम शून्यम सुताम विना का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आगे ध्यान दें। अनुच्छेद कुछ इस प्रकार है एवं शब्दार्थ। शब्दार्थ हैं क्रोडे यानी गोद में, चाकलेहम यानी चॉकलेट, षड्मासानांतरम यानी 6 माह बाद, आयासह यानी प्रयास। माला, मौन मेवाश्रयति तदैव क्रीडन्ति त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति तस्मात् चाकलेहम च याचते। माला मौन रहती है तभी उसकी 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पिता की गोद में आकर बैठ जाती है और चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका को लाड़ करता है और चाकलेहम प्रदाय चॉकलेट देकर ताम क्रोडात अवतारयति उसे गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टिम क्षिप्ति और फिर से माला के की ओर देखता है, पूछने की सोच से देखता है। शालिनी एतत् सर्व दृष्टा उत्तरम ददाती। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी, भ्रातः त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो? तस्याः कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, कि कोख में पुत्र है या पुत्री? किमर्थम, किस लिए? षड्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति, 6 माह बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्व किमर्थम अयम आयासः, समय से पूर्व यह प्रयास किस लिए? आगे ध्यान दें। शब्दार्थ हैं अस्त्येव अर्थात अस्ति प्लस एव है ही, कुक्षी यानी कोक। राकेश कहता है, राकेशः भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति। तर्हि बहन, तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में पहले से ही है और अब हमें पुत्र की आवश्यकता है। इस तभी शालिनी, तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। शालिनी कहती है, तो क्या कोख में पुत्री होगी तो उसे वह मारने योग्य है? तीव्र स्वरेण तेज स्वर में कहती है, हत्यायाः पापं कर्तुं प्रवृत्तो असि। हत्या करना तो पाप है, तो क्या तुम यह पाप करना चाहते हो? तो राकेशः, हत्या तो नहीं। आगे ध्यान दे। आत्मा वै शालिनी तरहि किमस्ति निगृहणं कृत्यमिदं, तो क्या तुम इस तरह का घृणित कार्य करोगे? सर्वथा विस्मितवान् अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदं न कृतवान्, इसलिए हमेशा हमारे पिता ने, याद रखने योग्य है कि हमारे पिता ने कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया। सह सर्वदैव मनुस्मृते पंक्ति मिमाम उद्वरति स्म जायते, वह हमेशा मनुस्मृति की इन पंक्तियों को कहते थे कि पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, पुत्र और पुत्री एक समान है। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि, तुम भी सुबह और शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्याः शक्तयः तिरस्कारम करोषि, तो किस लिए सृष्टि से उत्पन्न इस शक्ति का तिरस्कार करोगे, करते हो? तब मनसि यति कुत्सितः वित्त्यागता, तब तुम्हारे मन में इस प्रकार की बुरी सोच क्यों आई? इदं चिंतयि त्वयि वैव अहम कुंठितास्मि, तव शिक्षा वृथा। इदं चिंतयि वैव अहम कुंठितास्मि, तव वृथा शिक्षा वृथा, तो यह चिंतनीय है, यह सोच चिंतनीय है, इस कुंठित सोच को तव शिक्षा वृथा, हमारी शिक्षा व्यर्थ है। शब्दार्थ निगृणम घृणा योग्य दुहिता पुत्री उद्वरती उदाहरण। आगे ध्यान दें। राकेशः भगिनी विरम विरम अहम
स्वापराधं स्वीकरोमि लज्जितास्मि अद्य प्रवृत्ति कदापि गर्हितमिदं कार्यं स्वप्ने अपि न चिन्तयिष्यामि यथैव अम्बिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति तथैव आगन्ता शिशुः अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति पुत्रः भवतु पुत्री वा अहं स्वगर्हित चिंतनं प्रति पश्चातापमग्नः अस्मि अहं कथं विस्मृतवान। तो क्या कहता है राकेश, शब्दार्थ इस प्रकार है, तथैव तथा प्लस एव यानी वैसे ही, यथैव यथा धन एव जैसे ही। ध्यान दें, राकेश कहता है बहन रुको, मैं अपराधी अपने आप को स्वयं को अपराधी मानता हूँ और लज्जित भी हूँ। अब मैं कभी भी स्वप्न में भी ऐसे कार्य को करने के बारे में नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदय से, और अंबिका ही मेरे हृदय में से संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है। तब ही आने वाला जो शिशु है वो भी जो भी होगा स्नेह अधिकारी होगा, मतलब स्नेह पाने योग्य होगा, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री। अहम स्वघर चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्ना, यानी कि मैं भी हृदय से पश्चाताप कर रहा हूँ और अब मैं इस तरह की किसी भी तरह की ऐसी बातें नहीं करूँगा, ऐसा राकेश कहता है। आगे बढ़ते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रैता न पूजयन्ते क्रिया, अर्थात कि जहाँ भी नारियों को पूजा जाता है वहाँ देवताओं का वास होता है, एवं जहाँ नारियों का तिरस्कार होता है वहाँ पर हर कार्य असफल है, अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, अर्थात पिता से 10 गुणा माँ होती है। शब्दार्थ हैं कनिष्ठा यानी छोटी, गुरु रसी यानी गुरु, प्लस असी यानी गुरु हो, अथवा पिता से 10 गुना पितर दुश 10 गुना मातेति त्वया सन्मार्ग प्रदर्शिता भगिनी कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुसि, और तुम छोटे होते हुए भी तुमने मेरा मार्गदर्शन किया इसीलिए तुम मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन तव मनस अंधकार अपगतः प्रसन्नतायाः विष्मो विषयो अयम्। और शालिनी कहती है कि आप पश्चाताप बंद करो और अपने मन से अंधकार को दूर कर प्रसन्न हो जाइए। विषयो अयम भात्र जाए आगच्छ सर्वा चिंताम त्यज आगंतु शिशो स्वागताय च सन्निद्धाः भव भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय। क्या कहती है शालिनी की, चलो भाई अब सभी चीज़ों को छोड़कर चिंताएं छोड़कर आने वाले शिशु का स्वागत करते हैं और आप भ्रातः तुम भी प्रतिज्ञा करो कि कन्या क्या ऐसा सोचोगी कि कन्या रक्षा करना है और उसे पढ़ाना है लिखाना है पुत्री की रक्षा करना है और पुत्री को पढ़ाना है। शब्दार्थ है अवगतः यानि दूर होने पर, अपगतः यानि दूर हो गया, सन्निद्ध यानि तैयार, पाठ है यानि पढ़ाओ। आगे ध्यान दीजिए, पाठय इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिन्तनमिदं यथार्थ रूपं करिष्यामः। पाठ सरकार द्वारा घोषणा किए गए कार्य तभी सफल होंगे, सभी कार्य तभी सफल होंगे जब हम उसे साकार करेंगे। इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्याता भितः साइना सेयम स्त्री सकला सुदिक्षु सबला सर्वे सदोत्साहयताम। और आगे आप ध्यान दें क्या कहा गया है कि यदि जितनी भी स्त्री खेल जगत में इस और उद्योग में खेल जगत में ख्याति प्राप्त
जैसे उद्योग में इंद्रा और खेल जगत में ख्याति प्राप्त साइना जैसी स्त्रियां भी हमें क्या करती हैं, हमारा मार्गदर्शन इन सभी ने स्त्रियों के रूप में ही किया है। तो ये सारी स्त्रियां सभी दिशाओं में बलयुक्त हैं, अतः हमें सबका सम्मान करना चाहिए। ये सारी स्त्रियां हमारे हर समय स्त्रियों का उत्साह बढ़ाती हैं और हमें भी स्त्रियों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। यही श्लोक में कहा गया है कि या गार्गी शुतचिंतने निपनये पांचलिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञाना गणे कल्पना। और जो गार्गी है, जो ज्ञान युक्त है, जो और कौन है, शुद्ध चिंतने रिप नए पंचालिका विक्रमे लक्ष्मी ही शत्रु विदारणे गगनम विज्ञान गणे कल्पना। और कल्पना चावला, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में चंद्रलोक पर अपना ख्याति प्राप्त की और लक्ष्मी द्वारा शत्रुओं को का नाश किया गया, इस पराजित किया गया, इस तरह से स्त्रियों ने भी अपना परचम लहराया है। तो स्त्रियों का सम्मान करें और स्त्री शिशु हत्या, बालिका हत्या पर रोक लगाएं। शत्रु शब्दार्थ हैं शुतजात, शास्त्रों का समूह, शुत चिंतने तत्वों के चिंतन मनन में, सकलासु सभी दिक्षु दिशाओं में, सबला बल से। तो बच्चों इस तरह से अभ्यास करें और सारे पाठ का पठन करें, सभी शब्दार्थों को याद करें। आप सभी का धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।